कोई भी मनुष्य किस बात को किस तरह से समझता है ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों समझ और मानसिकता का ही तो है। लेकिन ये बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। फिर तो राजा को भी भीख मांगनी पड़ जाती है। इसीलिए किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को कभी न दुखाएं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब है। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाएं तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट हैं, मिल जाएं तो सुंदर इमारत है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। चलकर देखा है अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज साहब, पर वक्त और तकदीर से आगे कभी निकल न सका। जिसके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिसका कोई अपना नहीं वो अपनों को तरसते हैं। न कल हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता दे, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, सबके दिल में जगह बनाते रहो। सबका ख्याल रखो पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।